बॉलीवुड स्टार सलमान खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। काला हिरण केस ही नहीं, साल 2002 में सलमान खान पर हिट एंड रन का आरोप भी लगा। ये पूरा मामला 27 और 28 सितंबर की रात का है, जब सलमान खान की लैंड क्रूजर कार बांद्रा में अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने फुटपाथ पर चढ़ गई थी। इस फुटपाथ पर बेकरी में काम करने वाले 4 से 5 मजदूर सो रहे थे। इस हादसे में सलमान की गाड़ी के पहिए से कुचलकर एक मजदूर की मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया और अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी जमानत हो गई। इस केस में मुख्य गवाह सलमान खान की सुरक्षा में तैनात सिपाही रविंद्र पाटिल था, जिनकी बाद में मौत हो गई। रविंद्र ने अपने बयान में बताया कि सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। पाटिल ने उन्हें समझाया भी था कि आगे मोड़ है, लेकिन सलमान ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। इस मामले में सलमान खान पर धारा 304A लापरवाही के तहत किसी की मौत, धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 337 अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जोखिम में डालना और धारा 338 अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना जैसी धाराओं में सलमान खान पर मुकदमा दर्ज किया। सरकारी वकील ने दलील दी कि सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। वहीं सलमान के वकील ने कहा कि सलमान ने शराब नहीं पी थी और उस वक्त उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। 10 दिसंबर 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को इस मामले से बरी कर दिया। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।